यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव ने अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। बढ़ते तनाव के चलते युद्ध की आशंका और तेज हो गई है। रूसी सेना यूक्रेन के उस हिस्से में पहुंच गई है जहां विद्रोहियों का कब्जा है। रूस के एक्शन से यूक्रेन के विभाजन की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। बीते कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के चलते अब युद्ध के आसार और बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरे देशों की तरफ से लगातार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन अपने संबोधन में कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस को अलग देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा कि इन दोनों प्रांतों में शांति बनाए रखने के लिए रूसी सेना को भेज दिया गया है। अब पुतिन के इस ऐलान से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यूरोपीय देशों, अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस और यूक्रेन के इन दोनों क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। अमेरिका ने तो इन दोनों शहरों के लोगों की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा बिगड़े हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई जिसमें भारत भी शामिल हुआ और इस मामले का शांति से हल निकालने पर जोर दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया कि वो सैन्य तनाव से स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं है बल्कि मसले का हल बातचीत से ही निकल सकता है। अब रूस के इस कदम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। जेलेंस्की ने कहा कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले से उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। इसके अलावा रूस के इस कदम की यूरोपीय संघ, नाटो के साथ ही अमेरिका और कई देशों ने निंदा की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।